सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं आप सब लोगों का आपके अपने चैनल साइंस स्टडी बाय खान में मैं वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। तो स्टूडेंट, मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं अब। तो पहले क्या है हमारा नोमेनक्लेचर। तो पहले तो यहाँ हम लिखते हैं कुछ एस्टर और फिर इसका कॉमन नेम, फिर आयुपैक नेम। तो ये एक एस्टर है, HCOOCH3। तो स्टूडेंट्स, को हम जब इसका नाम लिखेंगे तो हमने कैसे लिखना है, ये होगा मिथाइल फॉर्मेट। हमने मतलब क्या लिखना है कि जो हमारा ये ओ के बाद जो हमारा एल्काइल ग्रुप लगा है इसको हमने पहले लिखना है, जैसे कि मिथाइल CH3 है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल। और बाकी हमें पता है कि अगर सी डबल बॉन्ड ओ एच हो तो क्या बोलते हैं, फॉर्मेट। तो ये हो गया फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ एच लगा हुआ है। एक अगर कार्बन हो तो उसको बोलते हैं फॉर्माइल, मतलब जो हमने पढ़ा था पहले उसको बोलते हैं फॉर्मेट। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था फॉर्माइल, अगर एक एच लगा हो या ठीक है तो उसको बोलते हैं फॉर्मेट। अब सुनो, इसका जो IUPAC नेम है, IUPAC नेम है, उसमें सेम मिथाइल मिथाइल हम बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन एटम है तो यहाँ पर हम कॉमन नेम की तरह फॉर्मेट नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे मिथानोएट। ठीक है, क्या बोलेंगे, मिथानोएट, क्योंकि एक कार्बन एटम है और इसलिए ये हो गया मीथेन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या है, मिथानोएट। अब स्टूडेंट, जो नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो है CH3, एक मिथाइल ग्रुप लगा है, जैसे कि यहाँ पर एच ग्रुप लगा था अब लग गया मिथाइल ग्रुप, और सी डबल बॉन्ड ओ ओ C2H5। अब हमने इसको नाम कैसे लिखना है इसका, इथाइल, मतलब जो ओ के बाद जो लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप उसको हमने फर्स्ट लेना है इथाइल। ओके, उसके बाद स्टूडेंट अब देखो यहाँ पर ये दो कार्बन एटम है तो ये क्या होता है, इथेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो कार्बन मतलब दो कार्बन इथेन में होते हैं तो ये इथेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एसीटेट, क्योंकि कॉमन नेम में इथेन को हम एसीटेट बोलते हैं। ठीक है, और इथाइल अगर इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो इथाइल सेम ही रहेगा, लेकिन इसको बोलते हैं इथानोइड। ठीक है, इथाइल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो कार्बन एटम है तो इथानोइड। ओके, अब स्टूडेंट जो थर्ड जो हमारा है वो क्या है, हमने जहाँ पर CH3 था वहाँ लगा दिया C6H5, मतलब हमने एक बेंजीन रिंग लगा दी यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ CH3। सेम हमने जो ओ के बाद ग्रुप है उसको नाम पहले लिखना है, कौन सा ग्रुप लगा है हमारा, ये लगा है मिथाइल। अब जो ये है हमारा, अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग लग जाए सी डबल बॉन्ड ओ हमारा जो असाइल ग्रुप के साथ, तो उसको बोलते हैं बेंजोइड। सिमिलरली स्टूडेंट, जो हमारा नाम IUPAC नेम में भी सेम रहेगा, मिथाइल बेंजोएट। तो एक यही प्रोडक्ट है जिसमें अगर बेंजीन रिंग लगा हो तो उसका कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम रहता है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, मिथाइल बेंजोएट। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन तो सेम ही है पहले वाला जो ओ के बाद है, बाकी ये चेंज हो रहा है, लेकिन इस केस में बेंजीन वाले केस में ये दोनों सेम रहेंगे। अब स्टूडेंट जो ये है हमारा CH3CH2, CH के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है CH3 मिथाइल ग्रुप का, सी डबल बॉन्ड ओ ओ C2H5। अब स्टूडेंट पहले हम देखते हैं अपना कॉमन नेम, तो अगर हम कॉमन नेम करते हैं तो ये जो रेड वाला है ये देखना, जो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जितने भी कार्बन आइटम लगे होते हैं स्टूडेंट, अगर हम करते हैं कॉमन नेम की पहली बात, हम किसी बात करें IUPAC के नेम को भूल जाओ, अभी हम बात करें कॉमन नेम, तो ये रेड वाले देखो जो सी डबल बॉन्ड ओ जो असाइल ग्रुप के साथ जो हमारे कार्बन आइटम लगे हैं उसको बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। देखो ये हमारा सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, इसका जो कार्बन आइटम है वो क्या, अल्फा और बीटा। तो इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे नाम, पहले तो हम लिखेंगे सेम कि जो ओ के बाद है क्या है हमारा C2H5, तो क्या है, इथाइल। ओके, बीच में थोड़ी स्पेस छोड़ो, अल्फा, दिस अल्फा कार्बन के ऊपर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्फा, ठीक है, फिर मिथाइल, और ये क्या है हमारा 1 2 3 4, चार कार्बन आइटम है तो ये क्या होगा, ब्यूटाइरेट। एक बार और सुनो, हम कॉमन नेम पहले करते हैं तो जो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जितने भी कार्बन हम लगे होते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट, मतलब अल्फा, अगर सेकंड कार्बन आइटम तो बीटा, और ये गामा। तो स्टूडेंट
हमारा अब क्या है, सबसे पहले हमने ये देखना है ये क्या है, इथाइल ग्रुप, तो इथाइल लिख दिया हमने। अब क्या है, जो हमारा अल्फा कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्फा मिथाइल और ये चार कार्बन आइटम है 1, 2, 3, 4 ये सीरीज में इस लाइन में, तो ब्यूटाइरेट। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम IUPAC नेम देखेंगे तो सेम रहेगा इथाइल का इथाइल, लेकिन अब इसमें सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, वो क्या हुई है कि जो अगर हम IUPAC नेम करते हैं तो ये ब्लू वाला देखो उसमें इसको 1 मानते हैं कार्बन को जिसको डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसको 2 और 3 ठीक है। कॉमन नेम क्या था, इसको हम कुछ नहीं मानते थे, अल्फा बीटा मानते थे, इसमें क्या मानते थे 1, 2, 3। तो यहाँ पर 2 जो कार्बन एटम के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो सिमिलरली हम लिखेंगे इथाइल टू मिथाइल और यहाँ बोलते थे ब्यूटाइरेट, और IUPAC नेम में क्या बोलते हैं अगर ब्यूटेन हो, ब्यूटानोएट। ओके, तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट IUPAC नेम। अब हम करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे नेम्स है वो, उसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो सम इम्पोर्टेंट IUPAC नेम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अब ये हो गया एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर लगा है सी डबल बॉन्ड OOCH3 एंड ME का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप। अगर यहाँ पर अगर CH3 भी लगा हो तो कंफ्यूज मत होना, तो ये क्या है मिथाइल ग्रुप है, तो ME मतलब मिथाइल ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे। आप देखो अब ये जैसे ये एक बेंजीन रिंग है और ये यहाँ पर लगा है ME लगा हुआ है ठीक है ना, और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड OOCH3 है ठीक है, इसको ये भूल जाओ, कन्फ्यूज मत होना, ये ME लगा है यहाँ पर। अब देखो इसको गिनो, जैसे ये O के बाद जो लगा है CH3, मैंने बोला इसका नाम लिखते हैं पहले, तो क्या लगा है CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप लगा है, तो मिथाइल। ओके एंड स्टूडेंट अब हम IUPAC नेम कर रहे हैं तो इसको देखो ठीक है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो हमारा 1 होगा एंड ये 2 होगा, दो मिनट स्टूडेंट मैं थोड़ा चेक कर लूं। तो यस स्टूडेंट अब जैसे हम जो अगर एलिफेटिक देखते हैं तो उसमें जो नंबरिंग शुरू होती है IUPAC नेम में वो सी डबल बॉन्ड ओ से शुरू होती है, लेकिन ये बेंजीन रिंग है, हमें जो नंबरिंग शुरू कर जो हमने शुरू करनी है वो इसको हमने स्किप करके, इसको छोड़ के सी डबल बॉन्ड ओ को, इसको हमने यहां से शुरू करनी है नंबरिंग, तो ये 1 और 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल तो हमारा हो गया एज इट इज ठीक है। अब क्या होगा 2, यहां क्या लगा 2 के साथ मिथाइल, और ये क्या हमारा बेंजीन रिंग है तो बेंजोएट ठीक है। फिर दोबारा करते हैं, ओ के साथ जो लगा है ग्रुप वो क्या है मिथाइल, तो सबसे पहले उसका नाम ठीक है, और बेंजीन रिंग में नंबरिंग यहाँ शुरू होती है, इसको हम नहीं लेते ठीक है, इसको हम इंक्लूड नहीं करते, शामिल नहीं करते नंबरिंग में, 1, 2, 2 मिथाइल बेंजोएट। अब स्टूडेंट जो हमारा सेकंड है ये एक फिनाइल ग्रुप है, एक बेंजीन है, इसके साथ लगा है OCH3, तो ओ के साथ जो बेंजीन रिंग है इसको हम बोलते हैं एक्चुअली फिनाइल, तो फिनाइल सबसे पहले इसका नाम, क्योंकि ये ओ के बाद जो बाद है उसको हमने पहले लिखना है जो ग्रुप है, तो फिनाइल। और ये क्या है हमारा 2 कार्बन एटम है, एक ये और एक ये, तो ये इथानोइड। सिमिलरली हमारा ये वाला है कि इसमें क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड OOC2H5 और BR, हमें पता है कि नंबरिंग क्या शुरू करनी है इसमें 1, 2, 3, 4। अब देखो जो O के बाद पहले लगा हुआ है वो कौन सा ग्रुप है, C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इथाइल और 1, 2, 3, 4 ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये क्या है 4, और ये क्या है ब्रोमो, इसको क्या बोलेंगे ब्रोमीन को, ब्रोमो, और ये क्या बेंजीन रिंग है तो बेंजोएट। ओके स्टूडेंट बेंजीन रिंग है तो क्या बोलेंगे बेंजोएट। ओके तो ये हमारा कुछ हमारे कॉमन नेम और IUPAC नेम थे जो मैंने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपके साथ शेयर किए, अगर आप चाहो अपने बुक्स में देख सकते हो, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो और अगर कोई नाम आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करना, या फिर मैं अपनी ईमेल आईडी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे क्वेश्चन पुट कर सकते हो। और फिर मिलते हैं स्टूडेंट, और उससे पहले कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, उसको मत करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, आप करो सब्सक्राइब, इसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उसमें मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम करेंगे, अब देखते हैं नेक्स्ट में हम पहले क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं या केमिकल रिएक्शन करते हैं, मैं कहता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले कर लेते हैं ठीक है, तो हम देखते हैं फिर नेक्स्ट में क्या करते हैं। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट, खुदा हाफिज़, गुड बाय, और अपना ख्याल रखना।